समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद 9 माइनस 5 एन है। हमें यहाँ एनवा पद अर्थात ए एन दिया गया है, ए एन का मान है 9 माइनस 5 एन। तो यदि हम एन के स्थान पर एक रखें तो हमें पहला पद मिल जाएगा, एन के स्थान पर दो रखने से दूसरा पद, एन के स्थान पर तीन रखने से तीसरा पद, चार रखने से चौथा पद इत्यादि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्योंकि ए एन का मान, एनवा पद का मान 9 माइनस 5 एन दिया गया है, हम एन के स्थान पर 1, 2, 3, 4 इत्यादि रखते हैं और समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं। तो ए वन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 1, क्योंकि 1 हमने मान रखा है एन का, ये मान हो गया 4 के बराबर, क्योंकि 9 में से 5 गए तो 4 बचते हैं। अब हम ए टू ज्ञात करें तो ए टू हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 2 अर्थात माइनस 1, क्योंकि हमने n के स्थान पर 2 रख दिया है। 3 रखने से ए थ्री हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 3 अर्थात माइनस 6, ए चार हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 4 अर्थात माइनस 11। तो इस प्रकार हमने ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ज्ञात कर लिया, अर्थात हमने समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों को ज्ञात कर लिया। हमारी समांतर श्रेणी है 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। 4 हमारा पहला पद है, माइनस 1 दूसरा है, तीसरा पद है माइनस 6, चौथा पद है माइनस 11। तो यहाँ ए का जो मान है अर्थात पहला पद है वो तो है 4, और सार्वंतर डी जो है वो है, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते हैं, माइनस 1 माइनस 4 जो कि माइनस 5 के बराबर है। हमने सार्वंतर किस प्रकार से ज्ञात किया, दूसरा पद माइनस 1 में से पहले पद 4 को घटा दिया, ये मान आ गया माइनस 5। तो हमारा डी सार्वंतर यहाँ माइनस 5 है। अब हम सूत्र एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में इन मानों को रख देते हैं। हमारा ए स्पष्ट है, पहला पद 4 है, डी सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया माइनस 5 है, हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, एन का मान 15, और इन मानों को रखने से एस 15 का मान हो जाएगा 15 बटे 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। हमने ए बराबर 4, डी माइनस 5 और एन 15 मानों को रख दिया, सूत्र में इन मानों को रख दिया। अब हम सरल करते हैं तो ये मान हो गया 15 बटे 2, 2 इंटू 4 होता है 8 प्लस 15 माइनस 1 अर्थात 14 गुणा माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 70। सरल किया तो ये मान हो जाता है 15 बटे 2 गुणा माइनस 62, तो 2 से माइनस 62 कैंसिल हो गया, माइनस 31 आएगा, और 15 गुणा माइनस 31 हम जानते हैं 465 होता है माइनस का। तो इस प्रकार जो पहले 15 पद हैं समांतर श्रेणी के, प्रथम 15 पद हैं, उनका योग हमने प्राप्त कर लिया, वो योग माइनस 465 है। तो अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल माइनस 465 है।